नटेरन थाना में आने वाले गांव महोली में 30 नवंबर को गांव के कचरे के घूरे में एक महिला का शव गांव के चौकीदार को दिखाई दिया, जिसकी सूचना चौकीदार ने नटेरन पुलिस को दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस हत्या करने वाले आरोपी की तलाश करने में जुट गई। काफी मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया, जैसे पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल पहुँचा दिया। शुक्रवार को कोतवाली थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान गंज बासुदा SDOP भरत भूषण शर्मा ने बताया कि नटेरन के गांव मोहली में 30 नवंबर को एक महिला का शव गांव के कचरे के ढेर पर गांव के चौकीदार को दिखाई दिया था। सूचना मिलने पर नटेरन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि महिला के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हैं। 11/2020 को थाना नटेरन में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चौकीदार के द्वारा सूचना दी गई कि एक महिला का शव घोड़े पर पड़ा हुआ है, जिस पर थाना प्रभारी नटेरन अपने पुलिस टीम के साथ में मौके पर मोहली गांव पहुंचे। वहां उनको प्रथम दृष्टया में उन्होंने देखा और FSL टीम को ही बुलाया गया, तो उसमें हत्या का प्रकरण पाया गया, जिस पर से अनुसंधान में लिया गया। वहां के ग्रामवासियों से और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिस पर संदेही इंद्राज अहिरवार का लिंक जुड़ा, तो थाना प्रभारी नटेरन उनकी टीम ने उसकी तलाश की और लाश अब PM कराया गया। FSL टीम का भी योगदान रहा महत्वपूर्ण, और उसके पश्चात में थाना प्रभारी नटेरन के द्वारा इंद्राज अहिरवार के लिए अलग अलग टीम इंदौर, जबलपुर, रायपुर और जयपुर, राजस्थान में टीम भेजी गई, तो जहाँ जयपुर से इंद्राज अहिरवार को पुलिस हिरासत में लेकर आई, और हिरासत में लेकर आने के बाद में नटेरन ने उससे पूछताछ की गई, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया, और उसने अपराध स्वीकार में ये बताया कि मृतिका से उसके शारीरिक संबंध थे, और मृतिका से शारीरिक संबंध के बाद उसने कुछ पैसे की मांग भी उन पर दबाव डालकर इंद्राज अहिरवार से करने लगी, जिस पर से पानी भरते समय 30/11/2020 को जैसे ही वो पानी भरने हैंडपंप के पास गई, तो लौटते टाइम उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसका गला घोटकर हत्या की, और कान और नाक की जो लोंग होती है और गले में चांदी की चेन थी वो इसने खींच कर अलग छुपाकर रख दी, और इसके दोनों हाथ दोनों पैर रस्सी से बांधकर कंधे पर रखकर पास के घूड़े में ले जाकर छुपा दिया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को